नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिली चौबे। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में जब से दोबारा महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से सरकार विवादों में है। पहले कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाने पर विवाद हुआ तो फिर लेसी सिंह को मंत्री बनाने पर महागठबंधन में दरार पड़ी। अब नया विवाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को लेकर हुआ है। बता दें कि शैलेश वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ सरकारी बैठक में शामिल हुए। इसको लेकर अब बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो रही है। बैठक का एक वीडियो भी वायरल हो गया है। छपरा के तिरैया में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान आरसीपी ने कहा कि बिहार को जेडीयू और आरजेडी के बेमेल गठजोड़ से मुक्ति दिलाने और बिहार को तबाह होने से बचाने के लिए युवाओं को एकजुट होने का समय अब आ चुका है और कहा कि मेरे द्वारा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने के साथ ही जेडीयू के खात्मे की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। अभी हम सड़क पर हैं, अभी कार्यकर्ता सब बुलाए हैं, जा रहे हैं, पूरे बिहार में घूमेंगे। कार्यकर्ता सबसे राय विचार जो होगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सर, बिहार के मुख्यमंत्री जी बार बार पलटी पे पलटी मार रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो पलटी मारे उनसे ना पूछिए सर, आप कितना बार मारिएगा? आपका चार बार तो हो चुका जी, 94, 2013, 17, 22। जदयू का विलय हो सकता है? वो तो करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है जी? वो तो बिल्कुल शरणम गच्छामी हो चुका, उसका बचता क्या है? बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बेपाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार वे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाकर सीएम बनने के मामले में अपना कटाक्ष के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरह विदेश में लड़कियां बॉयफ्रेंड चेंज करती हैं, बिल्कुल उसी तरह बिहार के चीफ मिनिस्टर भी अपनी पार्टी बदलते रहते हैं। विजयवर्गीय के इस बयान के बाद वे सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना उन लड़कियों से कर डाली जो जब चाहे अपना बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। बिहार में ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता के स्टॉल को नगर निगम ने वापस कर दिया है। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर मदद की गुहार लगाई। इसके बाद से ही तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप करने पर प्रियंका को उनका स्टॉल वापस कर दिया गया। बता दें कि पटना में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रियंका गुप्ता का चाय का स्टॉल हटा लिया था। कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा ने बरारी थाना का औचक निरीक्षण किया और जिला में लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी ली। इसके अलावा लंबित कांड, दंगा, अपराध, लूट सहित सभी मामलों में थाना प्रभारी से पूछताछ की। साथ ही थाना प्रभारी को शराबबंदी और अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, आज बरारी थाना का इंस्पेक्शन करना था। पुलिस मैनुअल में जिलाधिकारी को भी थानों का निरीक्षण करने का अधिकार है और आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल द्वारा भी प्रत्येक माह कम से कम एक थाने का निरीक्षण करने का आदेश प्राप्त हुआ। उसी क्रम में आए थे बेसिकली थाने में जो जो कार्य होते हैं, जो जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं उनका, उनको देखा गया है। अभी यहाँ पर पूर्णकालिक थाना प्रभारी नहीं है, पूर्णकालिक थाना प्रभारी का सस्पेंशन हो गया है। वो विधान जी हैं जो कि अभी चार्ज में हैं, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो कांड हैं उनमें समय पर लोगों की गिरफ्तारी हो इसका दिया गया है उनको आदेश, और शनिवार जनता दरबार जो है उसको और भी व्यापक पैमाने पर करने के लिए, ताकि जो भूमि विवाद हैं उनका निराकरण थाने स्तर पर ही हो जाए, इसके लिए निर्देश दिया गया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में और अच्छे से यह थाना चलेगा, आगे भी आकर के आपका एक बार निरीक्षण पूरा कर। छपरा में नैनी में जन्माष्टमी का पावन अवसर धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ गुजरात के द्वारकाधीश की दर्ज पर विशाल मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं मंदिरों की सजावट आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। मामले पर मंदिर के पुजारी ने बताया कि गुजरात के द्वारकाधीश के बाद छपरा के नैनी के इस मंदिर के पूजा पाठ भी उस मंदिर के तर्ज पर ही किया जाता है। आज जन्माष्टमी है और आज हम छपरा के नैनी मंदिर में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है और हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उन लोग से बात करेंगे। और आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी को लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो मंदिर में उमड़ पड़ी है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये द्वारकाधीश है, ये गुजरात के द्वारकाधीश के तर्ज पे इस मंदिर के निर्माण किया गया है और आज उनकी जन्माष्टमी है और जन्म
दिन है और इस जन्मदिन पे जो युवा हैं वो काफ़ी उम्र पड़े हैं और आज वो अपना व्रत भी रखे हैं। कुछ युवा हैं उनसे बात करेंगे। आज जन्माष्टमी है, भगवान का आज जन्म हुआ था, कैसा लग रहा है आज मंदिर में? सर देखिए, आज तो जन्माष्टमी है, हम लोग आए हुए हैं, आज व्रत भी हैं, बहुत मैंने अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं, घूम फिर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद प्यार के देवता हैं और प्यार के लिए अधिकांश लोग पूजा करते हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो माने भगवान है, सब लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, खुशी है मन में। व्रत भी भूखे हैं? हाँ व्रत भी हैं। तो जो श्रद्धालु हैं वो व्रत भी आज भूखे हुए हैं, लेकिन और कुछ श्रद्धालु हैं उनसे हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है आज मंदिर में आकर? जी आज कृष्ण जन्माष्टमी है और एक हिंदू के लिए बहुत महान पर्व है। आज कृष्ण भगवान जो हम लोग हिंदू में कृष्ण भगवान के रूप में पूजा करते हैं, और आज जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं और पूजा पाठ होता है, इस वजह से जन्म के लिए तेरा उत्सव होता है, ये सबसे बड़ा महान है। तो जो श्रद्धालु हैं वो आकर अपना पूजा कर रहे हैं और मन्नत भी मांग रहे हैं, और आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी को लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो काफ़ी इसी के चलते इस मंदिर की में आज काफ़ी भीड़ दिख रहा है और भव्य तरीका से इस मंदिर को भी सजा दिया गया है। सर हैं, सर से बात करें, सर आज जन्माष्टमी है, कैसा लग रहा है आज मंदिर आके? बहुत खुशी हर्ष की बात है कि आज श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, हम लोग उस अवसर पर जो है श्री कृष्ण से भेंट करने आए हैं। क्या मन्नत है भगवान से आज, क्या रखें? मन्नत है कि हम लोगों को खुशहाल रखें, पूरे देशवासियों को खुशहाल रखें। किन के साथ आए हैं आप? मेरे दो बच्चे हैं और पत्नी हैं। अच्छा, पूरे परिवार के साथ हैं, मैडम भी हैं। मैडम आज कैसा लग रहा है? आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्म हुआ था, मंदिर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। व्रत भी रखे हैं? नहीं व्रत नहीं रखे हैं, ऐसी पूजा के लिए आए हैं। पूजा करने के लिए जी। क्या मान्यता है भगवान कृष्ण की, आज उनकी जन्म दिन भी है, क्या उनकी मान्यता है कि लोग पूजा इतना करते हैं? जो आदि मन में इच्छा रखता है वो पूरा होता है। तो जो श्रद्धालु हैं, जो उनके मन की जो मनोकामना होता है वो पूरा हो जाता है, वही कारण है कि आप ये देख सकते हैं ये मुख्य द्वार का गेट है और श्रद्धालुओं के जिस तरह से भीड़ उमड़ पड़ा है, ये साफ तौर पर झलक रहा है कि कृष्ण भगवान के चाहने वाले और माँ राधा को चाहने वाले लोग कितने हैं, और यही कारण है कि इस मंदिर में इतना भीड़ होता है और आकर पूजा अर्चना करते हैं। और आज यही दिन है, आज उनके जन्म का दिन है और यही कारण है कि मंदिर में लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ सर हैं, उन लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जन्म अष्टमी के दिन पे इस मंदिर की क्या खैरियत है और क्यों इतना आज भीड़ होता है? आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इस दिन कृष्ण भगवान का जो भी नज़दीकी मंदिर होता है उसमें लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिला में ये मंदिर सबसे प्रख्यात और सबसे विशाल मंदिर है, इसलिए यहाँ की मान्यता है कि कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ पर लोग आके दर्शन करते हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं अपना मन्नत मांग रहे हैं और आज श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है, जन्म उत्सव है, इसी को लेकर पूरे मंदिर में भव्य तरीके से लोग सजा दिया गया है और मंदिर में आकर लोग दर्शन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निरंजनी संडेलिया के साथ चंदन कुमार चंचल, TNP न्यूज छपरा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TNP न्यूज। धन्यवाद।